हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रिसिटी। माय नेम इज़ सचिन जसूजा। आईपीओ का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। इस वीक में 3 आईपीओ आ रहे हैं, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड एंड बीकाजी फूड्स। आउट ऑफ दीज वी विल डिस्कस 2 कंपनीज इन दिस एपिसोड, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड एंड ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इन कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल क्या है, इनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, वेदर वन शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन टू दिस कंपनीज और नॉट, एंड ये भी जानेंगे कि जो ये फ्रेश इशुएंस है या फिर ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं या फिर फ्रेश इशू है, ये सब चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। चलिए जानते हैं पहले फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। लेट मी टेल यू लिटिल ब्रीफ अबाउट द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री, जब फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था इन 2010, तो ये इट वाज ओनली 15,000 करोड़ का इंडस्ट्री था, जो आज की डेट में ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का बिजनेस हो चुका है, इंडस्ट्री हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ये ग्रो हो चुका है इन लास्ट 12 इयर्स। तो आप उससे समझ सकते हैं कि कंपनी का एंट्री पॉइंट वाज वेरी वेरी वैलिड। ये काफ़ी ओपन अप हो रहा था इंडस्ट्री जब फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड वाज स्टार्टेड इन 2010 बाय मिस्टर देवेश सचदेव, हु इज़ एक्सएलआरआई जमशेदपुर पास आउट। सो व्हेन दे स्टार्टेड दिस बिजनेस, उनका जो मेन फोकस था वो था वीमेन ऑफ इंडिया, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, सेमी रूरल एरियाज़ में रहते हैं, एंड जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सिलाई मशीन लेनी है या फिर गाय भैंस लेना है, तो जो भी एक माइक्रो लैंडिंग जो हो सकती है, जिसमें 10,000-15,000 रुपीज़ से लेके 80,000 रुपीज़ तक का जो कंपनी है वो लैंड करता है। बिकॉज एक बहुत डाइवर्सिफाइड पूल चाहिए इस लैंडिंग के लिए। आप छोटा छोटा लैंड करते हो तो इस समय पर जो ओवरऑल एओएम है कंपनी का वो 7400 करोड़ है। कंपनी के 29 लाख कस्टमर हैं। अगर आप 7400 करोड़ को 29 लाख से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट टू नो कि अराउंड 25,000-30,000 रुपये का एक लैंडिंग है पर कस्टमर, जो कि एक एवरेज है, जो कि एक कंसिडर किया जाता है माइक्रो फाइनेंस से काफ़ी स्टेबल जो लैंडिंग बुक है। आज की डेट में जो ये लैंडिंग बुक है, इट दे हैव बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इन जस्ट 10 इयर्स। सो काफ़ी यंग, आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द यंगेस्ट कंपनी है माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग में, जो कि NBFC है। पहले नंबर पे है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, एंड आफ्टर दैट स्पंदना स्फूर्ति, सेट इन क्रेडिट, मुथुत माइक्रो फाइनेंस, समस्ता, IFL समस्ता। सो ऑल दिस कंपनीज आर टारगेटिंग द सेम सेगमेंट। हाँ, हर एरिया में, हर स्टेट में डिफरेंट मार्केट शेयर है, बट देर आर सम की पॉजिटिव अबाउट दिस कंपनी विच वील डिस्कस इन दिस वीडियो। सो द फर्स्ट पॉजिटिव इज़ कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड पूल है कंपनी का। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ए पर्टिकुलर स्टेट इट्सेल्फ। जो 5 स्टेट हैं जिन पे कंपनी काफ़ी बिजनेस करती है, दैट इज़ UP सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ से इनका कंट्रीब्यूशन आता है प्रॉफिटेबिलिटी का, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान। तो बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा फोकस है, लेकिन फिर भी लाइक दे हैव गुड प्रेजेंस इन 19 स्टेट्स। तो 20 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस हो जाएगा। तो 19 स्टेट्स में से जो टॉप 5 हैं, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 50%। तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है फ्रॉम ए लैंडर्स परस्पेक्टिव। और अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का विद क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और सम अदर यू नो माइक्रो फाइनेंस लैंडर, सो यू विल सी कि अपर बैंड पे जो इस कंपनी का मार्केट कैप होगा वो अराउंड 3700-3800 करोड़ का होगा। एंड क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज़ ऑलरेडी ए 15,000 करोड़ काइंड ऑफ ए कंपनी। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा डबल है एज़ कम्पेयर टू दिस यू नो न्यू फ्रेश IPO, बट प्राइस टू बुक वैल्यू क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ट्रेड्स एट अराउंड 3.5-4 प्राइस टू बुक वैल्यू। फ्यूजन इज कमिंग एट अराउंड यू नो प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 2। सो फ्रॉम द वैल्यूएशन परस्पेक्टिव ऑल्सो द थिंग्स लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। फ्रॉम द ग्रोथ परस्पेक्टिव ऑल्सो आई थिंक इट कैन इन्जॉय प्रीमियम इन कमिंग ईयर्स। तो 3,000 करोड़ से लेके फ्रॉम द कोविड टाइम्स इन लास्ट 2 ईयर्स दे हैव ग्रोन टू द 7400 करोड़ काइंड ऑफ ए बुक। हालांकि NPA थोड़े बड़े इस जोन में, बट सिर्फ फ्यूजन के नहीं बढ़े, ऑलमोस्ट ऑल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के NPAs बढ़े हैं और वो दोबारा अपने नॉर्मल सिचुएशन में जा रहे हैं। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो लास्ट 3-4 सालों में 36% का ग्रोथ रहा है कंपनी का, लास्ट 7-8 सालों में अराउंड 45% का ग्रोथ रहा है AUM का। तो अगर मैं ग्रोथ स्टोरी की बात करूं तो बहुत फिनोमिनल ग्रोथ रहा है, जहां पर दूसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ने जो अच्छे ब्रांड के साथ भी थी, चाहे वो IFL का समस्ता था, मुथुत माइक्रोफिन, ऑल दिस कंपनीज आल्सो ग्रू, बट फ्यूजन का ग्रोथ कुछ ऐसा था दैट दे गेन मोर मार्केट शेयर एंड दे हैव बिकम फ्रॉम 7th-8th प्लेयर इन लास्ट 3-4 ईयर्स, दे हैव बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस सेगमेंट।
जो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं फॉर दिस कंपनी इन कमिंग ईयर्स, कि अगर दोबारा ऐसा कुछ क्राइसिस आ जाता है जो कि पर्टिकुलर यू नो रूरल एरिया बेस को लेके हो, या एक यू नो बॉटम ऑफ द पिरामिड जो एक इंडिया का एक सेगमेंट है उसको इम्पैक्ट अगर करता है, तो ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हिट हो जाता है, इनको काफ़ी प्रोविजनिंग करना पड़ता है उस टाइम पे, तो वो एक रिस्क फैक्टर रह सकता है। बट कंपनी ने बड़ा अच्छा मैनेज किया है, सिर्फ ग्रोथ नहीं किया, अपना रिस्क भी बड़ा अच्छा मैनेज किया है। जो पेरेंटेज है, जो ग्रुप, जो प्रमोटर ग्रुप है जिसमें वाबक पिनकस, क्रिएशन इन्वेस्टमेंट, ओइक्यो ग्रुप जिन्होंने इनिशियली कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वाबक ने 2018 में इन्वेस्ट किया था, एंड मिस्टर दिवेश सचदेव, तो कलेक्टिवली जो प्रमोटर ग्रुप है वो 85% का इनका प्रमोटर होल्डिंग है, विच विल बी रिड्यूस टू 70% आफ्टर दिस फ्रेश इशुएंस। सो फ्रेश इशुएंस जो हो रहा है वो 600 करोड़ का हो रहा है, एंड 400 to 500 करोड़ जो हो रहा है वो ऑफर फॉर सेल है, जो कि प्राइमरली जा रहा है फ्रॉम द प्राइवेट एक्विटी। सो फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो एवरीथिंग लुक्स सॉलिड फ्रॉम द प्रोमोटर ग्रुप, फ्रॉम द ग्रोथ परस्पेक्टिव ऑल्सो, एंड येस बिकॉज दिस इज़ अ माइक्रो लैंडिंग बिजनेस जहाँ पर आपका कोई कोलेट्रल नहीं होता है, आप बिजनेस के लिए उनको दे रहे हो, आपको पता है कि एनपीए कैन बी हायर, बट आपके निम बहुत हाई होते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज़ अराउंड 8 to 9% इन टू दिस सेगमेंट, मैनेज बहुत अच्छा किया अभी तक बुक को। सो अगर कोई ग्रोथ इन्वेस्टर्स है एंड लुक फॉर द ग्रोथ कंपनीज विच आर ग्रोइंग फास्टर देन द इंडस्ट्री, तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है आफ्टर दे कंसल्ट विद देयर एडवाइजर। द नेक्स्ट इज ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है मेदांता हॉस्पिटल, सो वेरी रिनाउंड कार्डियो सर्जन डॉक्टर नरेश तरहान स्टार्टेड दिस कंपनी इन 2004। दिस कंपनी यू नो हैज़ अराउंड 5 हॉस्पिटल राइट नाउ इन इंडिया, 5 मेजर हॉस्पिटल राइट नाउ इन इंडिया। तो ये जो IPO है वो 3 November को ओपन हो रहा है एंड 7th को क्लोज हो रहा है, एंड 2200 करोड़ का एक IPO है, 1700 करोड़ का इनफैक्ट ऑफर फॉर सेल है, एंड ओनली 500 करोड़ का फ्रेश इशुएंस है। सो जो 1700 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, द जो स्टेक होल्डर है इस कंपनी में, इस हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल चेन में, दैट इज़ द कार्लाइल ग्रुप, टेमसेक होल्डिंग, एंड डॉक्टर नरेश त्रेहान एंड हिज को फाउंडर सुनील सचदेव। सो आउट ऑफ दीज, डॉक्टर नरेश त्रेहान इज़ होल्डिंग द स्टेक, सो उनका जो परसेंटेज होल्डिंग है वो 35% से 33% तक नीचे जा रहा है, खाली 2% का ही उनका डिल्यूशन हो रहा है, बट अदरवाइज अदर को फाउंडर्स एंड द प्राइवेट एक्विटी ग्रुप आर सेलिंग इन दिस ऑफर। सो लेट्स इवेल्युएट कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं कंपनी के एंड हाउ इट हैज़ बीन ग्रोइंग। दिस कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग इनफैक्ट क्वाइट फास्ट, बिजनेस रेवेन्यू टर्म्स में धीरे धीरे ग्रो होता रहा है, अराउंड 20% का CAGR रहा है लास्ट 5 years में, बट जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी वोलाटाइल रहा है। लास्ट ईयर कोविड का साल इतना अच्छा नहीं रहा था, प्रॉफिट काफ़ी डाउन थे, बट लास्ट ईयर इट टच्ड 180-190 करोड़ ऑफ प्रॉफिट, सो एक हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दिया लास्ट ईयर मेदांता ने। अगर हम कंपेयर करते हैं विद इट्स पीयर वैल्यूएशन को कंपेयर करते हैं, तो ऑल द हॉस्पिटल चेन्स इन्जॉयज लॉट ऑफ प्रीमियम इन वैल्यूएशन, चाहे नारायणा है, मैक्स हेल्थ एंड अपोलो, क्योंकि उनका फ्रेंचाइज काफ़ी बड़ा है, उनके रेवेन्यूज आर मच हायर एज कम्पेयर टू मेदांता, तो उनका जो वैल्यूएशन है दैट इज ट्रेड, दो कंपनीज आर ट्रेडिंग एट 50-60 काइंड ऑफ ए प्राइस अर्निंग रेशो, वेयर एज मेदांता और हैज़ कम एट 40 प्राइस अर्निंग रेशो। सो फ्रॉम वैल्यूएशन परस्पेक्टिव काफ़ी कम्फर्ट है, बट येस अभी बिजनेस उतना डाइवर्सिफाइड उनका नहीं हुआ है जितना दूसरे हॉस्पिटल चेन का हुआ है, मे बी दैट इज़ द रीज़न कि उस वैल्यूएशन पे कंपनी आ रहा है। वन ऑफ द अदर रीज़न इज आल्सो कंपनी पे अराउंड 575 करोड़ का डेट है, तो ये जो फ्रेश इशुएंस है अराउंड यू नो 500 करोड़ का, उसमें से 375 करोड़ का डेट रीपे होना है, तो जो एक्स्ट्रा बचेगा वो 150-200 करोड़ के आसपास ही बचेगा, जो कंपनी अपने यू नो ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकता है, एंड बिकॉज इंटरेस्ट आउटगो कम हो जाएगा आफ्टर पेइंग डेट, तो थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के भी चांसेस हैं, बट एट दिस वैल्यूएशन इसको हम रीजनेबल वैल्यूएशन कह सकते हैं, दिस इज़ नॉट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन फ्रॉम द ब्रांड परस्पेक्टिव, फ्रॉम द ग्लोबल ब्रांड परस्पेक्टिव, कि खाली इंडिया में पॉपुलर नहीं है, इवन वेन यू टॉक अबाउट द हॉस्पिटल्स ऑफ इंडिया तो मेदांता का नाम सबसे ऊपर आता है। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इफ द कंपनी ग्रोज इट द रेवेन्यू विल ग्रो, द प्रॉफिटेबिलिटी विल ग्रो, एंड ऑब्वियसली इवन द पी मल्टीपल कैन ग्रो फ्रॉम हेयर। सो फ्रॉम द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, फ्रॉम ए कंसिस्टेंट कंपाउंडर परस्पेक्टिव, आप इस स्टॉक को भी कंसिडर किया जा सकता है।
जो नेगेटिव होंगे, मुझे लगता है कि डेट अभी भी है हॉस्पिटल पे, एंड आफ्टर पेइंग यू नो डेट, बिकॉज कुछ फ्रेश कैपिटल जो इतना पैसा जो रेज हो रहा है उसमें से कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट कंपनी के ग्रोथ के लिए नहीं जा रहा है. सो दैट माइट बी द नेगेटिव. एंड द ओल्ड प्रमोटर्स ग्रुप, द ओल्ड स्टेक होल्डर्स आर रिड्यूसिंग देयर स्टेक एट द टाइम ऑफ आई पी ओ. सो फ्रॉम ए सेगमेंट परस्पेक्टिव, फ्रॉम ए हेल्थ केयर परस्पेक्टिव, इफ समबडी वॉन्ट्स टू गिव एलोकेशन टू दिस सेगमेंट एंड ही वॉन्ट्स टू गो फॉर ब्रांड एंड इज assured that this segment will grow, can actually consider investment into this kind of stock also. So these were the two case studies for the new IPOs, why we took these two companies, because we found them very attractive from some perspective. Ki ek bahut solid brand hai in hospital chain, the other company is a quite high growth company, and both the companies are quite profitable companies. It is not like the last year many IPO came like Zomato, Policy Bazaar, Nykaa, new age companies jinke paas itne profits nahi the, but revenue growth bada humongous tha, and we have seen how the market has treated them after listing, and we have seen ki 30, 40, 50% se bhi jyada ka from the IPO price these stocks have gone down. But these are the profitable companies, market thoda sa stable hua, and all these companies are coming back you know, to raise more funds for the growth, and we should actually consider them for the long term investment only if somebody is going for it. So thank you for watching. Please mention in your comments whether you are going to invest into these companies or not, and let us know if any topic you want us to cover in the next video. Thank you very much.